This is your life. और ये तेरी सेल्फ एस्टीम है. This is your heart. This is your journey. You will mark the definition of your success. इसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है. तो तुझे सबसे ज्यादा कमिटेड होना है अपने आप के साथ कि मैं क्यों इजी ले लूं, मैं अपने हुसन पर क्यों नहीं काम करूं, मैं क्यों नहीं अपने औसाफ पर काम करूं. फैसला आपका है. बाकी मैं ये भी सिखाता हूं, कोई मसला नहीं अगर बर्बाद भी हो गया है. जो बर्बाद भी होगा वो आबाद कैसे करेगा भाई. अल्लाह की कायनात में ये सुन्नत नहीं है कि तबाह हुई बस्तियों को आबाद नहीं करता. ये वो कर सकता है, इट्स फाइन, अगर तू बर्बाद कर चुका है खुद या किसी ने कर दिया है. ये रिवर्सिबल है, इंसान रिवर्सिबल है. इंसान उस जोब से, उस कुव्वत में आ सकता है, उस कायरी से, उस शुजात में आ सकता है, उस किल्लत से उस कसरत में आ सकता है, वो तकलील से उस तकबीर में आ सकता है. ये अल्लाह ने सुन्नत रखी है, फितरत रखी, इंसान रिवर्स कर सकता है. कुल्लू बनी आदम खता, एवरी मैन एरर्स, हर इंसान गलतियां करता है, खुद या हो जाती हैं बाय प्रेशर्स एंड फोर्सेस. फाइन, अल्लाह भी कहता है गलतियां होती हैं, हम जानते हैं गुनाह हो जाते हैं इंसान. ही गेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ही गेट्स ऑफ द ग्रेट. मगर एटीट्यूड एक लीडर का जो होता है ना, वो है वो खैरुल खताइन तवाबून, के वो उसको ठीक कैसे करता है जो उसने खराब किया है. सो व्हाट मैटर्स इज कि तू ठीक कैसे करेगा इसे. दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. नफरत सही जगह पर, सही वजह पर, सही कदा पर, सही जबान पर, सही मकान पर हो तो नफरत भी इबादत है, अगर सही महल में की जाए. और मोहब्बत, जिसको आजकल की इंस्पिरेशनल टर्म में पैशन कहते हैं, बेटा जब तेरे हाथ पैर कट के लोग तुझे उन खाइयों में फेंक के आएंगे, वो तेरी इश्क और मोहब्बत ही होगी जो तुझे उठाएगी उस टाइम पर. मोहब्बत इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन. ये इश्क ही था, ये इश्क ही था जो जला देता है इंसान को उस राह के, वहां तक पहुंचने के लिए, वो रियाजत को कमाल तक पहुंचाने के लिए, उस हुसन को उस जमाल तक पहुंचाने के लिए. आज अगर तू ये समझ सकता है कि ये दिस इज नॉट अ वन मिनट जॉब, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्चुअलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड. बहुत मेहनत करनी है तुझे अपने आप को, पहले लर्निंग टू अनलर्न, थिंकिंग टू अनथिंक करने के लिए. इसी में मर जाएगा तू, इसी में तेरे जनाजे निकल जाएंगे तेरे नजरियात और जज्बात. जब तू सर करेगा तो तू कहीं होगा, वो कहीं होंगे. लंबी गेम खेली तेरे दुश्मनों के ऐवानों में तुझसे जंग लेते हुए ये नैरेटिव जाना चाहिए एक पाकिस्तानी बच्चे कि अगर इससे लड़ाई लेंगे, लंबी गेम में मारेगा, लंबी गेम का घोड़ा है. एक दिन में एकदम फैसले करके जज्बाती कौम नहीं बनाऊंगा. यू हैव टू लर्न टू फाइट लॉन्ग बैटल्स. यू नीड टू नो कि सदियां लगेंगी तुझे वहां तक पहुंचने के, क्योंकि तुझे सदियां कट के जब अपने आप को कबूल करके आया होगा, और कौमे के कौमे तेरे सीने में जम हो जाएंगी. तू घबरा कैसे सकता है लोगों से, तो कैसे घबरा सकता है लोगों से. मैं अपनी कौम के बच्चों को इससे बड़ा दर्श नहीं दे सकता. बेटा, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमीज क्लोज. दुश्मन बगल में रखते हैं, घबराते नहीं उससे. लेकिन अगर तेरा नफ्स छोटा है, तेरे नफ्स की जज्बातियां दो रुपए के हो चुके हैं, तेरा अकीदा और नजरिया सेकंडों में शटर पार्ट हो जाता है, तो बेटा तुझे अल्फाज नहीं, नजरें मार देंगी लोगों की बैठे हुए.